गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम इन ड्राइंग क्लास। टुडे वी स्टार्ट पेज नंबर 6 कैट। बच्चों ये कैट है, इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, कलर करेंगे कौन से, क्रेयॉन्स मींस मोम के कलर करेंगे। तो बच्चों इसमें कौन सा कलर करना है हमें कैट में, हमें इसमें करना है ब्राउन कलर। आप देख सकते हैं इस कैट में कौन सा कलर दे रखा है, ब्राउन कलर। तो हमें पूरी कैट में ब्राउन कलर करना है। जैसा कि मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि पहले हम कलर साइडों में करते हैं, देन उसके बाद हम इसे बीच में फिल करते हैं। तो इस तरह से आपको क्या करना है, कलर फिल करना है इस कैट के अंदर। तरह से बच्चों हम कलर करेंगे। मैंने बच्चों पूरी कैट में कलर फिल कर दिया है, आप देख सकते हैं। अब हम बच्चों एक पेपर लेंगे और इसे पूरी कैट पर फेर देंगे, जिससे कि कलर पूरा एक सा हो जाए। आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने किया है। अब हम इसी ब्राउन कलर को लेकर इसके ईयर में भरेंगे, थोड़ा सा डार्क करके भरेंगे। आप इसे डार्क करके चलाएंगे तो ये डार्क हो जाएगा, आप देख सकते हैं इस तरह से। ओके, अब हम बच्चों क्या करेंगे, ब्लैक कलर इसकी नोज में फिल करेंगे, देखिए इस तरह से। ओके, अब बच्चों हम इसी ब्राउन कलर को इस पेड़ की डाली में फिल करेंगे, भर देंगे, जिस पर ये कैट बैठी हुई है। लेकिन हम इसे थोड़ा डार्क करके फिल करेंगे, जैसा कि हमने इसके ईयर में किया था, इसके कानों में किया था, इस तरह से हम फिल करेंगे। आप देखिए मैं पहले साइडों में कर रही हूँ। ओके, अब हम पूरी पेड़ की डाली में इसे फिल कर देंगे इस तरह से। ओके, अब बच्चों हम क्या करेंगे, पत्तियों में कलर करेंगे। किस कलर की पत्तियाँ होती हैं, ग्रीन कलर की। तो हम इसमें ग्रीन कलर फिल करेंगे, हरा रंग, देखिए इस तरह से। आप देख सकते हैं मैंने इसमें ग्रीन कलर कर दिया है। अब हम इस कैट को अपनी ड्राइंग की नोटबुक में ड्रॉ करेंगे एंड उसमें कलर करेंगे। बच्चों ये हमारी ड्राइंग की नोटबुक है। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, डेट डालेंगे, आज की क्या डेट है वो हम यहाँ पर डालेंगे। अब हम बच्चों इस पर टॉपिक लिखेंगे, क्या टॉपिक है ये, कैट। तो हम यहाँ पर टॉपिक लिख देंगे इस तरह से। बच्चों हम क्या करेंगे, इस ड्राइंग की नोटबुक पर हम कैट को ड्रॉ करेंगे। बच्चों हम सबसे पहले हल्के हाथ से कैट को ड्रॉ करेंगे, जिससे कि कोई मिस्टेक हो जाए तो हम उसे आसानी से रफ कर सकें। देखिए इस तरह से हम इसे ड्रॉ करेंगे हल्के हाथ से। आप देख सकते हैं मैं कितने लाइट पेंसिल चला रही हूँ इसमें। इस तरह से आपको इसे कैट को ड्रॉ करना है। हम पूरी कैट को बच्चों ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से, देख सकते हैं आपने, मैंने कर ली है इसे ड्रॉ अपनी ड्राइंग की नोट कॉपी पर। ओके बच्चों, इस तरह से आपको कैट बनानी है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर कलर करेंगे। तो जैसा कि हमने बुक में कलर किया था, उसी तरह से हम ड्राइंग की नोटबुक में कलर करेंगे। सबसे पहले बच्चों हम साइड में कलर करेंगे, साइडों से लेते हुए, जिससे कि कलर बाहर ना निकले, इस तरह से। इसी तरह से बच्चों हम पूरी कैट में कलर कर देंगे।
आप देख सकते हैं मैंने पूरी केट में कलर कर दिया है और इसकी नोज़ में ब्लैक कलर किया है। एंड बच्चों मैंने इसकी पत्तियों में ग्रीन कलर किया है, पेड़ की डाली में मैंने ब्राउन कलर किया है जैसा कि मैंने अब ड्राइंग की बुक में किया था। अब हम बच्चों स्केच कलर लेंगे ब्लैक कलर और इस केट की आउटलाइन करेंगे इस तरह से। आप देख सकते हैं मैं किस तरह कर रही हूँ, ब्लैक स्केच कलर से हम पूरी केट की आउटलाइन कर देंगे। देखिए मैंने आउटलाइन कर दी है, ओके आप देख सकते हैं। अब हम ब्राउन कलर लेंगे, स्केच कलर है तो आप स्केच कलर ले लीजिए, अगर स्केच कलर नहीं है तो हम मोम का कलर ही यूज करेंगे। हम बच्चों इस केट पर जो धारियाँ पड़ी हुई थी हम उसे ड्रॉ करेंगे। देखिए मैं पहले स्केच कलर से ड्रॉ करके दिखा रही हूँ इस तरह से। देखिए आपको इस तरह से करना है। ओके अब बच्चों मैं आपको मोम के कलर से ड्रॉ करके दिखाऊंगी लाइंस को। आप देख सकते हैं इसकी पूंछ में इस तरह से लाइन ड्रॉ हो रही है। ओके देखिए मैंने इसकी पूंछ में भी लाइन ड्रॉ कर दी है, ये मैंने मोम कलर से करा वो स्केच कलर से। देखिए इस तरह से मैंने लाइंस ड्रॉ कर दी है। ओके बच्चों ये पूरी केट कंप्लीट हो गई है। आप देख सकते हैं आपको भी इसी तरह से नीट एंड क्लीन केट को ड्रॉ करना है।